आखिर सांसद संतोष गंगवार की सूबे के मुखिया को भेजी चिट्ठी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जहां जिले के स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन के अधिकारी जो कल तक सोए हुए थे, सूबे के मुखिया की फटकार से जागने लगे हैं। जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस की किराया दर निर्धारित करने के साथ एसीओमो डॉक्टर आरएन गिरी, एसपी ट्रैफिक राम मोहन सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन जयप्रकाश गुप्ता को नोडल अधिकारी नामित किया है, जो वाहन स्वामियों से यातायात के जारी आदेश का पालन कराएंगे। साथ ही शिकायत मिलने पर प्रकरण की जांच और पुष्टि होने पर अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से जारी सूची के मुताबिक ऑक्सीजन रहित सामान्य एम्बुलेंस का 10 किलोमीटर के लिए किराया 1,000 रुपये होगा। इसके बाद प्रति किलोमीटर एम्बुलेंस चालक को 50 रुपये शुल्क देना होगा। ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस का 10 किलोमीटर का किराया 1,500 रुपये होगा और इसके बाद हर किलोमीटर की दूरी पर 50 रुपये और देने होंगे। वेंटिलेटेड सपोर्टेड या बाईपैप एम्बुलेंस के लिए 2500 रुपये प्रति 10 किलोमीटर किराया होगा। इसके बाद 100 रुपये प्रति किलोमीटर देने होंगे। प्रशासन ने अपने आदेश में साफ किया है कि मरीज को अस्पताल पहुंचाने के बाद एम्बुलेंस को वापसी का किराया दे नहीं होगा। ऑक्सीजन रिफिलिंग और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को दिए गए ऑक्सीजन सिलेंडर के बदले स्थायी किराया वसूलने की शिकायतों पर एफएसडीए के अफसरों ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में कोई भी पीड़ित साक्ष्यों समेत कंट्रोल रूम में लिखित शिकायत दे सकता है। शनिवार को मुख्यमंत्री के सामने ऑक्सीजन की किल्लत और सिलेंडरों को घरों में छिपाकर कालाबाजी करने की शिकायतें हुई थीं। शनिवार को शहर के एक बड़े व्यापारी नेता के भतीजे और ऑक्सीजन विक्रेता पारस गुप्ता का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 40,000 रुपये मांग रहे थे। इसको देखते हुए रविवार को औषधि निरीक्षक और ऑक्सीजन आपूर्ति की नोडल अफसर उर्मिला वर्मा और तहसीलदार सदर आशुतोष गुप्ता ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसमें उन्होंने औषधि एवं ऑक्सीजन सिलेंडर विक्रेता उपलब्धकर्ता सर्जिकल आइटम विक्रेता द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्यों पर विक्रय करने या किराया लेने पर आपदा प्रबंध अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी शिकायत है तो वह साक्ष्य उपलब्ध कराए, संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर ज़्यादा किराया मांगे जाने की स्थिति में शिकायत की जा सकती है। मरीज या उसके तीमारदार पुलिस सहायता के लिए 112, ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 7302392388, इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर की हेल्पलाइन नंबर 0581251001 2511021 2411 2428914 2428188 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की पुष्टि होने पर एम्बुलेंस चालक के खिलाफ महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2000 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिले के डीएम नीतीश कुमार ने कहा है कोविड महामारी में एम्बुलेंस चालकों की ओर से मन मुताबिक किराया वसूली की शिकायतें मिली हैं। शासन के आदेश पर किराए की दरें तय कर दी गई हैं। इससे ज़्यादा वसूली करने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।